अज सिंध में अफगानी पनाहगीरन की निकाली लाए सिंध यूनाइटेड पार्टी पारा सखर प्रेस क्लब आडो 24 कलाकन की अलामती भुख हड़ताल शुरू कई वही है, जैमें SUP से गड मुख्तलिफ कौम परस्त जमायतुन जो अगवान भी शरीक हैं। उन्होंने गाल बोल कंदासी तो उन्होंने जो मुतालबा चाहन, जैसे मुतालबा तस्लीम न थे तो नेक्स्ट स्टेप उन्होंने होंद सिंध के बंदरगाह के मुख्तलिफ तरीकों से सिंध के कराची जो उनको दिल है उनके मुख्तलिफ तरीकों से पांजे जो है ताकत में वठन चाहन था। अफगानियों के इतने जो है सो बाशौर शौरी तरीके से जो इतने आबाद किया पे वे या उनके कैंपुन तीन महदूद न पो वे या अना भी जो है सो मुआदे खत्म थियण का टाइम खत्म थियण का भी उनके पांजे वतन नथो मोकिले वे पो यो अस समझूँ था पाया तो सिंध के जेका आज़ादी है खुदमुख्तियारी है जेका उनके आईन में दिनल है जेका उनके पाकिस्तान के करारदाद में दिनल है उन्हीं ते राता होने की कोशिश है साजिश है असा इन इन साजिश के कदें भी कामयाब थे दींदे। धारी आबादकारी में भी असा स्पेसिफाई कयोसे तो असा अफगान पनाहगीरन जो जी तो मुद्दों कानूनी तौर से यानी असा वो कानून जो अकवा मुतहदा जो मुआदो है जो अफगान हुकूमत जो मुआदो है जो पाकिस्तान हुकूमत जो मुआदो है जैसे अमल करण सिंध हुकूमत जो कम आ तो असा इन इशू के बाजाबदा खयोसे टोकन स्ट्राइक या एक डी के फोटो सेशन वो न 24 कलाक की स्ट्राइक या 3 जुलाई का असाई तहरीक हले थी। अक्टूबर ताईं असो पर्यों मरहलो हलो अस कराची में भरपूर मुजाहरो कंदे तो ये जो वा इशू हूँ उन्होंने जहा नतीजा रातों रात न मिलंदा उन्होंने में एकड़ी अवामी तहरीक के उभारो वो कौमी तहरीक के उभारो वो वो दबाव पवो उनको असके फल भी मिलन। यूनाइटेड पार्टी जो भी अमल खो वो अमलिक अमल हों इन में धारी आबादगारी के खिलाफ अस में भी जुदोजहद रही है। जैक ये अस पैगाम के संजीदा ना वन तो नेक्स्ट असो जो प्रोग्राम होंद वो कराची में होंद सेप्टेंबर को वेही सिंध यूनाइटेड पार्टी वेही मरकजी पार्टी वेही तय कंदी असा सख्त का सख्त एहतजाज कंदे छो जो इन अमल में अस समझूँ तो सिंध हुकूमत ए वफाक हुकूमत 100% मुलवस है। जैमें स्टेटमेंट तवे अगों है आगा सराज दुरानी चे तो अफगानी नींदा अफगानी असा बाहर आन निसार खोड़ो चवे तो बंगाली बिहार जहाँ हर सूरत में कार्ड ठहंदा इन अस समझूँ तो सिंध हुकूमत 100% इन मुलवस है। ये अफगान रिफ्यूजीज जी धारी आबादकारी है उनके खिलाफ जहाँ सिंध यूनाइटेड पार्टी भुख हड़ताल कई है उनमें अस अवामी जमहूरी पार्टी जो भरपूर वफद शरीक थो है अस इन सारी जदोजहद की भरपूर हिमायत क्यों था अस समझूँ था अफगान रिफ्यूजीज जो टाइम पूरा थी तो उनके जून में वापस वजनो हो तेज कर जदोजहद हिमायत कदे यो मुतालबो था क्यों तो फिल फोर जो जे भी अफगान रिफ्यूज के भी इलीगल इमिग्रेंट्स उन्हें वतन वापस मोकिलो बाइज्जत तरीके से। धारी आबादकारी का मसलो सिर्फ सिंध यूनाइटेड पार्टियों ना बल्कि समूरी सिंध जो मसलो है सारी सिंधी कौम जो मसलो है तेकर अस नहायती अफसोस से चाहूँ था तो जी बेख्याई पीपुल्स पार्टी सिंध असेंबली में वेही करे इशू से साइलेंट थी करे थी ओड़ी बेख्याई इतने भी सखर के अंदर आऊँ समझा तो या कई पई वे जी असानी कैंपेन ते न पाया अचन ही कौमी फर्ज है कौमी फर्ज की अदायगी में जो मू हिस्सो वो वो अगबर हों हमेशा सिंध जो मेहमान के मतलब मेहमान नवाजी दिनी है इज्जत बख्शी है तो अस उन इन मतलब यो ना तो वो अच्छी सिंध से काबिज थे सिंध से कब्जो कन असो एक ही मुतालबो है जी सिंध में अगवानी अची कर पनाह वती हुई तो उन्हें मुल्क में वापस मोकिल वे असो मुतालबो है वो पूरा किया वे। सिंध हुकूमत की गैर संजीदगी अमल है उन जाहिर थे तो निसार खोड़ो तो बर्मला चवन रो अस बर्मियन बंगालियन के शनाती कार्ड ठहरा दींदी उनके वोट जो हक दींदी उनके समझूँ था तो गाफिल लेकिन उनके समझण घुर्ज तो अफगान समेत लखन के तादाद में इतने गैर मुल्की रहा तो सुबाने ते हके हुकुमरानी न रो अज वा वजीर वेठा इकतदार जहाँ मजा था वो पर जैसे लखन के तादाद में गैर मुल्की इतने सियासत में सियासी जमायतों को हिस्सों थन्दा वोट दाखिल कराइंदा मिल्कियतू खरीद कंदा तो सुबाने ते हके हुकुमरानी भी खत्म थी उन सिंध हुकूमत के इंतबाह था क्यों तो इंदड़ नस्ल के तहफुज लाइन जदोजहद उनमें हिस्सों गंढो जी। सिंध यूनाइटेड पार्टी के अगवाणा नहीं मुख्तलिफ कौम पर जमायतों के अगवाण जो गाली बुध जिन चवण है तो एक धारे की यलगार के सिंध में आबाद कर आबाद किया वो है सिंध जहाँ जो नौजवान या नौजवान की नस्ल है उन्होंने एक नज़रअंदाज किया पे वे जैमें पीपुल्स पार्टी वफाकी हुकूमत इन्वॉल्व
अमल है जून में 20 जून से अफगानी पनाहगीर जो मुद्दों पूरो थन बावजूद उनके गैरकानूनी तौर से रहा पे उन मुतालबो किया है तो वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत का अफगानी पनाहगीर के फौरी तौर सिंध पाकिस्तान में निकाली दिनी वे असो मुतालबो फौरी तौर हल किया वे जैसे मुतालबो तस्लीम न वो तो एहतजाजी तहरीक के वधाया वो। कैमरामैन सजाद संजन से गड फारूक सुमरो, टाइम न्यूज़ सखर।